दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पायलट बाबा के आश्रम और देखिए कितना सुंदर ये पायलट बाबा का आश्रम है उत्तरकाशी का। तो अभी हम जा रहे हैं दर्शनों के लिए। तो कैसी ये अभी यात्रा चल रही है, आप कैसा फील कर रहे हैं, अंतरात्मा से बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी गंगा मैया के घर जा रहे हैं, गंगोत्री मैया से मिलेंगे। उत्तरकाशी में हम बाबा के दर्शन करके हर गंगे बताएंगे अपने अंदर की फीलिंग्स को अभी नहीं बता सकते हैं। अब हमारे मैं प्रे कर रहा हूँ, अब हम हमारा यात्रा मंगलमय हो। उसको देखिए, ये है पायलट बाबा का आश्रम और बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। देखिए माता काली जब रक्त बीज का संहार करके वो अपने एक विराट रुद्र रूप में आ गई थी, तब भगवान शंकर ने उनका गुस्सा शांत करने के लिए इस तरह से जो है देखिए लेट गए थे और माता ने उनके ऊपर पैर रख दिया था और उनकी जीभ बाहर आ गई थी हनुमान जी महाराज कि बहुत ही सुंदर प्रतिमा। और देखिए रिद्धि सिद्धि जो है के साथ में गणेश जी महाराज विराजमान हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। और नीचे जो है तो आइए चलते हैं पायलट। जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, जय हो। बहुत सुंदर। पायलट बाबा का आश्रम और देखिए अनेकों रूप यहाँ पर जो है आश्रम में विराजमान श्री विष्णु भगवान के बहुत ही सुंदर दर्शन। महर्षि वशिष्ठ जी की देखिए बहुत ही सुंदर प्रतिमा। जय हो महर्षि वशिष्ठ जी। देखिए यहाँ पर ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। महर्षि क्रतु के दर्शन कीजिए और महर्षि पुलह, महर्षि पुलस्ते, महर्षि अंगिरा, महर्षि अत्रि और महर्षि मारीच। जय हो। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर और बड़ा यह आश्रम है, आप पूरे आश्रम के दर्शन कर रहे हैं। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर साई बाबा विराजमान है यहाँ पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
अति सुंदर। बोलो जय सिया राम, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम दरबार के दर्शन कीजिए दोस्तों, बहुत सुंदर। अनेकों भगवानों के रूप आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे पायलट बाबा के मंदिर में। जय हो, बहुत सुंदर। महायोगी पायलट बाबा, बाबा जी सदी के महानतम योगियों में से हैं जिन्होंने लुप्त समाधि विज्ञान को इस जगत से परिचित कराया। आप हिमालय सिद्ध परंपरा के अंतिम जीवित गुरुओं में से हैं, बहुत सुंदर। देखिए पायलट बाबा की जो है यहाँ पर फोटो लगाई गई है। सुंदर ये पायलट बाबा का आश्रम, अद्भुत। और देखिए भगवान शंकर की कितनी विशाल जो प्रतिमा यहां पर बनाई गई है, ये मैं यहां से आपको दिखाता हूं दोस्तों। मां भगीरथी गंगा तट पर बिल्कुल, बहुत ही सुंदर ये प्रतिमा आपको नज़र आएगी। और नीचे विराजमान है नंदी महाराज, जहाँ भगवान शंकर उपस्थित होते हैं। वैसे तो वो कणकण में विराजमान है, लेकिन जहाँ भी उनकी प्रतिमा या शिवलिंग होता है दोस्तों, वहाँ पर नंदी महाराज उनके निकट ही जो है स्थापित होते हैं, विराजमान होते हैं। और ये देखिए आप दर्शन कीजिए बहुत ही विराट रूप के भगवान शंकर के। हर हर महादेव। और ये जो आश्रम बना हुआ है दोस्तों, ये आश्रम बिल्कुल बना हुआ है गंगा नदी के तट पर। देखिए वासुकी नाग बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और देखिए हम पहुंच चुके हैं नीचे, यहाँ पर देखिए आगे गंगा तट है, यानी कि भागीरथी गंगा जो है यहाँ पर बिल्कुल अपने स्वभाव में आपको बहती नज़र आ जाएंगी। ये पूरे जो है आश्रम के आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये आश्रम जो है यहाँ पर भी है अंदर, यहाँ पर आप रुकने की व्यवस्था भी है, अगर जो आप इस तरह के रूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर अच्छी रुकने की व्यवस्था है, लेकिन शायद आपको पहले यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही यहाँ पर आप रुक सकते हैं। ये देखिए नीचे भी रूम्स बनाए गए हैं और यहाँ पर भी रूम्स अवेलेबल हैं, बहुत ही सुंदर अद्भुत। मौसम बहुत सुंदर है, प्रकृति की छटा देखिए आप कितनी खूबसूरत है। देखिए दोस्तों महाराज जी के जो है, जब जब उन्होंने समाधि और तपस्या की है उसकी आप फोटोज देख रहे हैं, ये जल समाधि की फोटो है। देखिए आप किस तरह से बाबा जी जो है जल समाधि लेते थे, ये देखिए आप। योग माता जी इन हिमालय है।